और ये जो हाउसिंग स्कीम टोटल फ्रॉड है, ये रजिस्टर नहीं हो सकती थी आज तक। उसके चाहे बेनिफिशरी मैं हूँ या आप हैं या और लोग। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और अब रिसेंटली अगेन प्रोमलगेशन हुई है 20, उसमें भी पेरेंटल इंसेंट दैट इज फॉर एग्रीकल्चरिस्ट ओनली एंड दैट इज फॉर इकोनॉमिक ट्रेड, इकोनॉमिक पर्पज, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पर्पज ओनली। एग्रीकल्चर्स एंड उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जो बर्तन बनाते हैं, जो ऑफ दूध का बिजनेस करते हैं, उन लोगों की यूनियंस बनी, उन लोगों को लोन्स फराहम करने। मगर 100 साल में हमने क्या काम किया है, आप अंदाज़ा करें कि हम जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिन लोगों के लिए ये कानून आया उन लोगों को पता नहीं। मैं बात मानता हूँ कि हमेशा जो लोग लॉ से रिलेट करते हैं या लोग जिनका कॉन्शियस है, मे बी वो वेल ऑफ हों और या अच्छी पोजिशंस में हो, समझते हैं उनको टाइम है, उनको डेली का ये इशू नहीं है कि आज मैं मजदूरी पे नहीं गया तो मैं मेरे बच्चे भूख मर जाएंगे। वो लोग ही फाइट कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं उन मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए। मार्जिनलाइज खुद क्या करेंगे, जो खुद जिनको 3 टाइम की रोटी मयसर नहीं और वो भूख मर रहे हैं या बीमारी में इलाज नहीं हो रहा और पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, हम वो ऐसा आज तक वो माहौल ही बना नहीं सके। मैं एडमिट करूँगा, मैं ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशरी भी मैं एडमिट करूँगा। मैं क्यों कहूँ कि हमने बहुत कुछ कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। अभी तो शायद हमने प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं किया। स्टॉकहोम सिंड्रोम में जो लोग रह रहे हैं, जो हमें हमारी बहुत तारीफ करते हैं और हमें ऑलवेज प्रेज करते हैं और हमें लीडर बनाते हैं और जहाँ जाएँ बिकॉज ऑफ हमारे असर सूख की वजह से या पावर्स की वजह से लोग हमारी रेस्पेक्ट करते हैं। दिलों से रेस्पेक्ट वाला मामला तो अलग है। ये मेजॉरिटी हमारी लोग या हमारे जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, दे आर इन स्टॉकहोम सिंड्रोम। जब हम लोग स्टॉकहोम सिंड्रोम में हमारी मेजॉरिटी उस कैफियत उस स्टेटस में रह रही है, वहाँ बहुत बड़ी चेंजेस की ज़रूरत है। वो सिंपल एक जज की बस की बात नहीं, एक कलेक्टिव काम की ज़रूरत है। उसमें बार भी हैं और जो डिफरेंट लोग जो सोसाइटी के हैं, जिन जो असर रखते हैं अपना, जिनके पास कुछ वसाइल हैं, वो सोसाइटी मिल के, स्टेट अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर एक स्कूल पे आप कब्जा था, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं हैरान हूँ कि एक केस में जब मैंने रिपोर्ट कॉल की तो कराची के जो स्कूल KMC जो रन करती है अराउंड 1100 स्कूल्स और यहाँ मेजॉरिटी हाई स्कूल्स कराची में घोस्ट स्कूल। आपको इंटीरियर में हाई स्कूल घोस्ट बहुत मुश्किल से मिले, पर कराची वो वंडरफुल सिटी है जिसमें हाई स्कूल्स भी घोस्ट स्कूल्स हैं। जो देखें हम बड़े अच्छे स्कूल्स हैं, इंग्लिश ग्रामर स्कूल है, लिंकन हाउस है, और बहुत से स्कूल्स हैं, और हम अगर उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं, जो मेजॉरिटी है उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके लिए स्कूल कहाँ है, उनके लिए सिलेबस अलग है। अच्छा, सिलेबस बनाने वाले कौन है? हम, और जिनके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते। और सेक्रेटरीज कौन है? जिन हॉस्पिटल से रिलेट कौन करते हैं जिनके बच्चे नहीं जाते। एक केस में एक रेफरेंस आया कि LMC के जो प्रोफेसर्स हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन से फंड्स मिलते हैं फॉर स्कॉलरशिप्स, वो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली उस फंड से और उनका इलाज आगा खान और साउथ सिटी में होता है। अगर लम्स के या तो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का इलाज आगा खान और साउथ सिटी में होगा तो फिर एलेंस लियाकत मेडिकल कॉलेज इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ इलाज किसका होगा और कैसा होगा। ये सिविल हॉस्पिटल से हम नॉर्मली बड़ा जल्दी स्टे भी दे देते हैं और सिचुएशन ये है कि आज तक हमारे हजारों बच्चे बगैर कुर्सी के बगैर डेस्क के जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं और एक तो हुकूमत को ख्याल नहीं आता। अगर मुश्किल से ख्याल आ जाए तो फिर किसी न किसी रीजन पे हम स्टे कर देते हैं और आज तक वो बच्चे हजारों या लाखों में होंगे आज तक ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं इसलिए कि मैटर अंडर लिटिगेशन है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली। और गवर्नमेंट की जो साइड है जहाँ लॉयर्स इंगेज किए जाते हैं उतना वीक पिच पे होते हैं दे कैन नॉट डिफेंड इट ऑल, वो डिफेंड ही नहीं कर सकते न जज के सामने असर्ट कर सकते हैं जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। और देन इश्यूज हाईलाइट कैसे होंगे एटलीस्ट जज को मजबूर कर दिया जाए कि भाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इशू बट आई हैव ऑब्जर्व ऑन ओरिजिनल साइड स्पेशली नाउ अगेन ओरिजिनल साइड कि जो इनहेरिटेंस के केसेस हैं जो सक्सेशन जो तर्के के केसेस हैं वो सालों साल फेटल एक्सीडेंट एक्ट के केसेस हैं सालों साल पेंडिंग है कोई उसे टच करने के उसे कोई चलाने वाला नहीं सालों से पेंडिंग केसेस किनके चलेंगे जो अच्छे लॉयर्स इंगेज करेंगे जो बड़े लॉयर्स इंगेज करें जो असर्ट करेंगे। मगर लॉयर्स को भी चाहिए किस तरह की सोसाइटीज बनाएं इस तरह के केसेस रेशो रखें ताकि वो जो प्रोबोनो पब्लिक इशू है उसमें आए और आगे बढ़ें। डेथो साहब ने चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत अच्छी ब्रीफिंग की कितने फंड्स हैं और एक क्रिटिसिज्म भी किया हमारी जुडिशरी पे जो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उस बात कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो काम है और जिसमें जस्टिस प्रोवाइड करना है और हेल्पलाइन है एक्सेस टू जस्टिस में और वो काफ़ी सालों से फंक्शनल नहीं डीजेस वो काम नहीं कर रहे। मैं ज़्यादा तो नहीं मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इतना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऑन माय पार्ट मैं पूरी कोशिश करूँगा नहीं तो साहब को मैं एश्योर करूँगा कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये कमेटीज़ हैं जिनके पास फंड्स भी अवेलेबल हैं वो काम करना शुरू कर। पब्लिक सेफ्टी कमीशन सिंध में पब्लिक सेफ्टी कमीशन एक्ट मौजूद है पता नहीं क्या बात है मुश्किलात है आज तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो सके प्रोविंशियल लेवल डिवीजनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फैसिलिटेट कर सकें। पब्लिक सेफ्टी कमीशन पे अपॉइंटमेंट्स उमर साहब इज हेयर सो आई होप कि परसूद पब्लिक सेफ्टी कमीशन के अपॉइंटमेंट्स में क्या इशू आ रहा है कहीं स्टे भी नहीं है फिर भी नहीं हो इस तरह काफ़ी इश्यूज हैं जिसमें हम सब जिम्मेदार नॉट ओनली जजेस ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूटिव लॉयर्स। अब इशू ये कि हमने दो क्लासेस बनाए हैं एक वो लोग हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम में हैं जो सिविल हॉस्पिटल जाते हैं जो अब आम गवर्नमेंट स्कूल में जिनके बच्चे जाते हैं जो मजदूरी करते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और एक वो लोग हैं जो उससे बेहतर पोजीशन में हैं। तो हमने दो क्लासेस बना ली और इसलिए जो एलीट क्लास है जो जिन्होंने और नदीम शेख साहब और इस हेल्पलाइन के जो अरेंजमेंट करने वाले हैं सब लॉयर्स डॉक्टर बोहरा साहब मौजूद हैं यहाँ पे एक सीनियर जज और हमारे हाई कोर्ट के जज भी रहे, काफ़ी वकीला ऑफिस केयर डिफरेंट उनके फील्ड्स में काम है। और वुमेन स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन की सरबराह भी मौजूद है, पता नहीं अभी हैं या नहीं, पहले तो थी। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच रहा था कि मैंने जाके सुनना है, आप कह रहे थे नहीं आपने सुनाना है, दैट्स डिफिकल्ट। और जज तो अपनी जजमेंट्स के जरिए बोलते हैं, अच्छे स्पीकर नहीं होते। अब जैसे कुरैशी साहब आए या शाह इमाम आए या शाह सरफी साहब आए, दे आर ओरेटर्स आर नॉट ओरेटर्स। इशू जैसे रहीम नवाज साहब ने जिस तरह रेज किया, लॉस तो बहुत हैं एंड इस अथॉरिटी को बने हुए भी अराउंड 3 इयर्स हो गए लीगल एक्ट के तहत, पर अभी तक फंडिंग नहीं हुई। और देन ही एक्सप्लेन द वे, जो मुझे बड़ा इंटरेस्ट में हुआ। उन्होंने कहा हम कोशिश करें कि लॉज इस तरह अमेंड हों, रूल्स इस तरह बने विदाउट फंडिंग और विदाउट कोई ह्यूमन रिसोर्सेज वो चीज़ें खुद ही सहल हो जाएं और लोग काम आ सकें, वो मसाइल हल हो जाएं। देखें जैसे दुनिया में 2 तरीके हैं कोर्ट्स के चलाने के, एक ओरल हियरिंग और दूसरा डिसीजन ऑन पेपर्स। अगर कोई अपील फाइल करता है एंड चॉइस देता है कि आई कांट अफोर्ड टू अपीयर इन पर्सन और एंगेज काउंसिल, वट एवर डिसीजन ऑन मेरिट्स, जो मेरे पेपर्स हैं, जो मेरा काउंटर के लिए मैं उस पर आप डिसीजन दें। मगर हमारे यहाँ बैठ तक हमारे लिए ये चीज़ें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हैं। और नदीम शेख साहब शाह और उनकी टीम और दोस्तों ने जो काम बताया, स्कूल्स और दोस्त जो काम कर रहे हैं, जैसे शाह इमाम साहब ने कहा, अब मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सारी एफर्ट्स को। एज ए जज व्हाट आई ऑब्जर्व, अभी तक हम जो हमारी मेजॉरिटी है जिसको मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, नाम तो मार्जिनलाइज्ड कह रहे हैं कि भाई जो डेस्टिट्यूट हैं, जो वनरेबल हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो लॉज भी बने हुए हैं। अब आज तक जो मेजॉरिटी है उनके जजेस भी आज तक एग्जीक्यूटिव्स हैं, जुडिशरी नहीं। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी पीजेंट्स की है, हारियों की है। उनके कितने भी बड़े इश्यूज हो जाएं, अकाउंट से लेके डिस्प्लेसमेंट तक, उनका जज असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट या सेशन जज नहीं है। अब जब इतनी मेजॉरिटी को हम आज तक जुडिशरी के नेटवर्क में लेके नहीं आ सके, या हमारे यहाँ जो मजदूर हैं और जो डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं या डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए डिफरेंट लॉज मौजूद हैं, मगर दो लॉज आर नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी। उसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, वर्क्समैन का कमिश्नर अपॉइंट होना है, वो भी डायरेक्टर अपॉइंट होना है। सोशल सिक्योरिटी की आज तक कोर्ट्स बन नहीं सकी। देन हम ये हेल्पलाइन और ये जजेस, देन फिर क्या काम कर रहे हैं। जब हमारे पास 80% हमारे जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जो अंडर पावर्टी लाइन लोग रहते हैं, हम उनके जजेस ही हैं। लॉज परमिट नहीं करते वो हमें अप्रोच करें और हमें एक्सेस करें। बहुत अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। जजमेंट्स आई और सिंध हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, बिजनेस पे करा। जब ओवर टैक्सी के कैप्टन से आपकी किसी रेट पे भी आपकी अनबन हो जाए तो केस मैजिस्ट्रेट होने, मगर किसी हारी का सारा किरा या उसे बेदखल कर दिया जाए तो केस असिस्टेंट कमिश्नर से लगे। और शरफ फरीदी केस का रेफरेंस देते हुए उन सेक्शंस को अल्ट्रावायरस डिक्लेयर किया गया। सिंध गवर्नमेंट अपील में है सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दैट जजमेंट। जबकि हम सब लोग क्लेम करते हैं कि हम उनका ये दर्द सुनने के लिए बैठे हुए हैं, हम कस्टोडियन हैं, यहाँ इतने लोग मौजूद हैं मेरे समेत। हम शायद ही हम में से कोई सिविल अस्पताल ट्रीटमेंट करवाने जाता हो, या शायद ही हमारे बच्चे जितने भी लोग मौजूद हैं शायद एक भी ऐसा बंदा ना हो जिसके बच्चे आम किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। और इतफाक है कि उनकी अथॉरिटीज हम हैं, उनके ऑफिसर्स हम हैं, मगर हम खुद वहाँ पे न जाते हैं न हमारे बच्चे जाते हैं। तो हमें उनकी मुश्किलात और तकलीफ का कैसे पता हो? जस्टिस करना तो बहुत बड़ी बात है, वो शायद हम कर पाएँ या मैं कर पाऊँ। दोस्तों ने तारीफ की, थैंक यू। मैं कहता हूँ तारीफ नहीं करनी चाहिए, कम तारीफ करनी चाहिए, इसलिए फिर जो थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है वो भी समझता है शायद मैंने बहुत कुछ कर लिया। इसलिए ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। हम एक दूसरे की तारीफ में बिजी रहें। और जुडिशरी मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ, क्रिटिसाइज होना चाहिए और सीरियसली होना चाहिए, अच्छे माहौल होना चाहिए। हम अगर काम नहीं कर रहे या प्रॉपरली हम देखें, अगर एक कॉमन मैन कोर्ट में आके नहीं फील कर रहा तो अब मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा तो फिर कोर्ट होने का फ़ायदा नहीं। अगर वो पुलिस स्टेशन पे जाके वो प्रोटेक्शन फील नहीं कर रहा देन उस पुलिस एजेंसी का फ़ायदा है। तो बेसिकली बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और जो हो नहीं सकी हैं हमारे यहाँ, अभी तक हो नहीं सकी हैं, बहुत लाजम है होने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली एक केस था, उसमें हाउसिंग स्कीम्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं और सारे पाकिस्तान में आप देखेंगे, स्पेशली प्रोविंस ऑफ सिंध में तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बहुत बड़ा रुझान है और बड़े बड़े लोगों की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाँ जजेस की भी हैं, वकला की भी हैं और लोगों की भी, आर्म फोर्सेस के लोगों की भी हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ की हैं। देन उस केस में एज एकेडमिक क्वेश्चन मैंने किया कि ये सोसाइटीज किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। देन आंसर वाज 1925। इमीडिएटली मेरे ज़हन में ख्याल आया 1925 में तो हाउसिंग की ज़रूरत नहीं थी इतनी, न पार्टीशन हुई थी, तो फिर 1925 में ये एक्ट क्यों आया? देन डिबेट हुई कि उससे पहले 1904 में ये एक्ट आया था और इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट चली थी, एक फलसफा है। ये हाउसिंग स्कीम नहीं है, तो कभी पता नहीं कि सिविल हॉस्पिटल क्या है और गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस क्या है। उन पर बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का उन्होंने ही फ़ायदा लिया है। बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उनके लिए काम करें जिन स्टेट पे बेसिकली जिम्मेदारी है, बट नॉट ओनली स्टेट। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोई स्टेट ने नहीं बनाई थी, हार्वर्ड ने फंडिंग की थी और ज़मीन भी ली गई, बिल्डिंग भी बनी और फिर भी पैसे बचे। आज दुनिया में बहुत बड़ा जो लाइब्रेरी का नेटवर्क है, स्मिथसोनियन लाइब्रेरी जो नेटवर्क है, 1800 में सीमित साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने सारे असेट, सारी प्रॉपर्टी बेच दी और उस वक्त वैल्यू बनी थी $7 लाख और वो सारी उन्होंने स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को डेडिकेट किया कि आप नॉलेज सेंटर्स बनाए, लाइब्रेरीज बनाए। वो आज शायद अमेरिका में, यूएस में बहुत बड़ा जो लाइब्रेरी नेटवर्क है वो सीमित से नहीं है। लेकिन हमारे पास लोग तो थे, नूर लाखेर भी था, नूर लाखेर जो सिविल जज बना दें, अगेन वकालत की, उन्होंने सारी ज़मीन बेच के रूड हाई स्कूल बनाया और जब पेश अब अभी भी काम रहता था तो उन्होंने अपना घर बेचा। तो और हम सोचेंगे घर शायद 200-100 गज का होगा, 200 गज का होगा। अगर हैदराबाद से रिलेट कोई भी करता है तो बॉम्बे बेकरी के सामने जो एकर्स पे घर है वो उनका घर था, कई एकर्स पे जो हाउस जो उनका घर था वो हमने बेच दिया कि मैं हाई स्कूल बना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। आज भी घर है तो आज इस वक्त जो थोड़ा बहुत सर्वाइवल हमारा है उन्हीं की वजह से, जो थोड़ा कुछ परसेंटेज है जो अपने कॉन्शियस से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। दैट्स वाई अभी तक हम जिंदा हैं और चीज़ें अभी तक चल रही हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे आयद होती है, मुझ पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आयद होती है। पता नहीं किसने एडवाइस की थी कि एक्सेप्ट कर लूँ, मैं जुडिशरी में आ जाऊँ, बेहतर है। वकालत में रहते कोई जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं थी, केस चलाया चले गए। तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी, सब लोग काम करें। और एवान साहब ने, मेरे साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया है। आई होप के ये नजीम साहब, उनकी टीम और हम सब लोग बड़ी अपने आप में चेंज लाएंगे और हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे जो हमारी सोसाइटी है, जिससे हमारा वैसे कोई डायरेक्ट ताल्लुक ही नहीं है, हम जानते भी नहीं, बस पता है कोई गरीब लोग रहते हैं इस मुल्क में। लाज भी उनके लिए नहीं, कोर्टें भी उनके लिए नहीं। हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए एटलीस्ट स्पोर्ट्स के नेटवर्क में जो लोग आ जाएं।